फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है बहारों। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस फूल ने 400 साल पहले लोगों की जिंदगियां कैसे बर्बाद कर दी थी। तो नेदरलैंड्स देश में ट्यूलिप नाम का फूल बहुत ज्यादा फेमस था। वो फूल इतना कम होता था कि सिर्फ अमीर लोग ही उसे रखा करते थे, एक तरह से स्टेटस सिंपल था। तो अमीर लोग ही आपस में लड़ लड़के फूल के प्राइस इतने ऊंचे उछाल देते थे कि पता चले ये फूल 100 रुपए का है और इसको 1,00,000 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये फूल हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता था, इसीलिए इस फूल के बदले में एक कागज इशू करने लगे ट्रेडर्स। जब भी ये फूल की सप्लाई आएगी तो ये कागज तुम हमें दिखाओगे तो हम तुम्हें इसके बदले में ये फूल दे देंगे। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो लोगों का ध्यान फूल से हटके डेरिवेटिव की तरफ आ गया और इस डेरिवेटिव की वैल्यू 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ने लगी। तो लोग अपने घर बेच बेच के ये कागज का टुकड़ा खरीदने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे मुनाफा तो गारंटीड है। लेकिन इसके चलते असली फूल की बहुत सारी सप्लाई आने लगी क्योंकि ये इतना महंगा हो रखा था। तो जब असली फूल का ऑप्शन चालू हुआ तो असली फूल तो किसी को चाहिए नहीं था, सबको तो कागज चाहिए था जिसका वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इसका प्राइस गिर गया, तो कागज भी उसी का प्राइस दिखा रहा था, तो कागज की वैल्यू भी गिर गई और लोग कंगाल हो गए। ये दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट क्रैश था। इसको ट्यूलिप मेनिया भी बोलते हैं।